त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् प्रत्योन्मोक्षये मां ददातु। ओम नमः शिवाय। आज है शिवरात्रि और आज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। आज ही के दिन भगवान शिव साकार रूप में हमारे सामने प्रकट हुए थे ज्योतिर्लिंग के रूप में। आज ही के दिन भगवान ने चंद्रमा को नया जीवन प्रदान किया था और उसे अपने मस्तक पर धारण किया था। और आज ही का दिन वो दिन है जब भगवान शिव ने हम सारी कन्याओं को 16 सोमवार के व्रत का आशीर्वाद दिया था कि जब भी कन्याएं 16 सोमवार व्रत करेंगी, भगवान शिव की आराधना करेंगी, तो उन्हें मनचाहा वर मिलेगा और भगवान शिव की हमारे ऊपर कृपा होगी। आज ही का वो दिन है, इसीलिए आज के दिन को महाशिवरात्रि कहते हैं, जब भगवान ने माता रानी के साथ विवाह भी किया। तो प्रसाद बना रही हूँ, खीर का प्रसाद बना रही हूँ और इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल से शेयर करी है, पहले ही शेयर कर दी थी शिवरात्रि से। तो ये देखिए, अभी ये दूसरे दिन मतलब खोलते हैं, क्योंकि जो है सारा दिन में हम अन्न नहीं ग्रहण कर सकते। व्रत में ये होता है कि हम जो होते हैं वो अन्न का पूरी तरीके से त्याग करते हैं, सिर्फ फल खा सकते हैं और जल पी सकते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण शरीर ही हमारा जो है वो जल से बना है, वायु से बना है, अग्नि से बना है, आकाश से बना है और धरती यानी मिट्टी से बना है। तो इसीलिए हम जल का त्याग नहीं कर सकते। देखिए हाँ, आ गए मेरे भाई, इनको देखिए। और आपने आकाश गंगा का नाम सुना होगा, जिसे हम इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। हमने जो हमारी ज्योग्राफी होती है उसे मिल्की वे नाम से पढ़ा है आकाश गंगा को। तो जो आकाश गंगा है उन्हें ही भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया था और इस पृथ्वी पर उन्हें उतारा था, जिसे आज हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। ये वही आकाश गंगा है जो धरती पर उतरी है भगवान शिव के माध्यम से, क्योंकि उनकी जो वेलोसिटी थी, उनका जो वेग था, वो कोई भी नहीं सहन कर सकता था, रोक सकता था। इसीलिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और इस पृथ्वी पर स्वर्ग लोक से उतारा है, यानी आसमान से उतारा है। ये वही आकाश गंगा है और उसे इंग्लिश में मिल्की वे इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो आप जब दूर से देखेंगे तो वो आपको एकदम व्हाइट कलर का दिखेगा, दूध जैसा। जो तारे नहीं होते हैं वो होती है गंगा, मतलब पानी, जल का स्रोत जो ब्रह्मांड में भी उपस्थित है। तो वही आकाश गंगा है जो आज इस पृथ्वी पर उतरी है, जो हमें पापों से मुक्त करती है। गंगा उन्हें उतारने वाले ये भगवान शिव ही है पृथ्वी पे। तो मैं भगवान शिव का कहाँ तक वर्णन करूँ, उनके स्वरूप की महिमा अपना पार है और उन्हें जो पूछ लेता है एक बार, उसकी कोई भी मनोकामना ऐसी नहीं है जो पूरी ना हो, क्योंकि उन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं। और इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहते हैं कि आप उनसे जो भी वरदान, जो भी वर मांगेंगे वो जरूर पूरा करेंगे। ये देखिए खीर मैं इस तरह से बना रही हूँ, अभी तो चावल पक रहे हैं। तो हम मिलते हैं आपसे पूजा के बाद। तो गाइस पूजा हो चुकी है, कैलाश का नाम आप सबने सुना होगा। तो कैलाश पर्वत हमने कुछ इस तरह से बनाया है और मैं आपको दर्शन कराती हूँ। देखिए देखिए मेरे साथ मेरी सारी